रेडमी 4 क्या हाल चाल है आपके? कहीं गुस्सा वुस्सा तो नहीं ना हो गए होगा पत्थर लेके बैठे हुए कि जब दिखे एम के जब देख के मारूं मैं? ऐसा मत करना भाई, क्योंकि आगे से रोम्स के अपडेट ही बहुत कम आ रहे हैं, जिसमें से वीडियोज भी आपको जो बहुत कम मिल रही है। तो आप सोच रहे हो कि मैं लीव कर दिया हूँ रेडमी 4 यूजर्स को, क्योंकि नए नए फोन लेने परचेज कर लिए हैं तो उनके ऊपर ध्यान दूंगा और रेडमी 4 पे ध्यान नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अगर टेलीग्राम यूजर्स हो तो आपको पता होगा कि आगे से रोम्स हैं जो बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपडेट भी बहुत कम दे रहा हूँ। बट डोंट वरी, आपको अपडेट मिलता रहेगा, डिले होगा लेकिन अपडेट मिलेगा, और मैं आपके लिए बेटर बेटर रोम ही कलेक्ट करके लेके आऊंगा ताकि आप उसे यूज कर पाओ। तो हर एक वीडियो काफी परफेक्ट होगी रेडमी 4 यूजर्स के लिए, और एंड्रॉइड 10 के जितने भी रोम्स आएंगे ना उनके भी मैं अपडेट आपको देता रहूंगा कि यूजेबल हुआ है या फिर अभी बगी है, ठीक है? तो एंड्रॉइड 5 की अपडेट जो कि परफेक्ट रहेगी और एंड्रॉइड 10 का इन्फो भी आपको मिलता रहेगा। तो इसी बात पे आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो अभी भी इस चैनल पे तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लेना, ठीक है? गुस्से होने की बात नहीं है, क्योंकि सपोर्ट आगे से कम आ रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन 9, और रिसोरेक्शन का जो वर्जन है वो है 7.0.2, जो कि 2019.11.3 का बिल्ड है, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट और साथ ही अनऑफिशियल लुइस रोम है, जो कि काफी पॉपुलर रोम रहा है ये। और यहाँ पे आपको वेंडर जनवरी का मिलता है, 5 अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाती है। और किरनेल भी है जो लुइस रोम का ही यहाँ पे यूज किया गया है, यानी इनका खुद का किरनेल है। सिस्टम की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अपडेटर, इस अनऑफिशियल का ये ट्रैक करके दिखाएगा अपडेट है या नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल अलग है और ये अलग है। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन आप इनेबल करके एडवांस बूट मेनू इनेबल कर पाओगे अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि पहले से इनेबल नहीं रहता है। और सेंटोनी में सबसे बड़ा लफड़ा होता है इसका जो TWRP ओपन करना, क्योंकि इसके लिए हमें पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन तीनों को प्रेस करना होता है, जबकि बाकी जितने भी स्मार्टफोन आते हैं सिर्फ पावर बटन और वॉल्यूम अप को प्रेस करना पड़ता है TWRP ओपन करने के लिए। तो इसका थोड़ा सा चेंज रहता है शुरू से ही। मल्टी यूजर अकाउंट आपको मिल जाता है, टाइम एंड डेट यहाँ पे, जेस्चर स्वाइप अप, रिंगिंग, प्रोफाइल और कीबोर्ड वगैरह के इन्फो मिलते हैं। डिजिटल वैल्यूइंग दिखाता है कि क्या क्या यूज किया गया है और किसी और के साथ लिंक भी कर पाओगे। ये फीचर्स इसलिए मुझे मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेटेस्ट गैप्स जो कि नैनो का है उसका यूज किया है। तो आप पिको का, स्टॉक का या बीट गैस भी यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके बेसिक यूज और नीड्स के ऊपर। नैनो में आपको फेस अनलॉक, डिजिटल वैल्यूइंग दोनों देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे फेस अनलॉकिंग और डिजिटल वैल्यूइंग दोनों यूज कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे नाउ प्लेइंग का भी फीचर से जो दिया गया है, जो कि कुछ कुछ डिवाइसों में, कुछ कुछ रोम्स में ये हटा दिया गया है, जबकि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पर्पस वाले सारे सेटिंग्स भी मिल जाते हैं। अगर हम इसके फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट का भी रिस्पॉन्स आपको काफी अच्छा सा देखने को मिलता है, तो फिंगरप्रिंट में भी आपको कोई कमी दिखाई नहीं देती है, यानी फील नहीं होता है। साउंड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो नाउ प्लेइंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे MI साउंड एनहेंसर जो कि आपको MIUI का साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले में आपको लाइव डिस्प्ले अडेप्टेड और थीम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि हमेशा मिलता हुआ आया है। एक्सपेंडेड डेस्कटॉप भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत सारे यूजर्स इसका यूज करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एम्बिएंट के अंदर आते हैं तो पिकअप, हैंडवेव एंड पॉकेट मोड भी दिखाई देता है। सारे टैप टू स्लीप भी आपको दिखने गए, और डबल टैप का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नहीं है। कुछ कुछ रोम में मिलता है बट यहाँ पे डबल टैप वेकअप का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा डिवाइस हार्डवेयर के रूप से सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है इसका मैनेजर, जिससे आप मैनेज कर पाओगे अपने गेमिंग मोड को, बैटरी मोड को और बैलेंस के मूड को। तो अगर आपको गेमिंग करना है तो आप परफॉर्मेंस के ऊपर सेट कर पाओगे, और इसके बाद परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि हमें हवो को इसमें देखने को मिलता है एड ऑन के सर्विस के अनुसार। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस में डाल के अनटूटू का स्कोर प्राप्त कर पाओगे 61368 का, जो कि काफी ज्यादा दमदार है गेमिंग करने के लिए, पबजी करने के लिए, जैसा कि हमें हवॉक में हमेशा देखने को मिलता है, और बहुत सारे यूजर इसीलिए यूज करते हैं ताकि अच्छी बैटरी बैकअप मिल पाए और अच्छा सा गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाए, और अपने मर्जी के अनुसार उसका प्रोफाइल भी हम चेंज कर पाए। तो ये रिसोरेक्शन रिमिक्स भी आपको प्रोवाइड करता है एक प्रोफाइल, जिसके थ्रू आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें कौन सा और क्या यूज करना है, ठीक है? हाथ पे स्वेट आ गया जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स काम नहीं किया, तो आप सोचोगे भाई बग है। बग नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ये इसी तरह का है। यहाँ पे UI चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने टाइप कर दिया था रिसेंट वाले पे। अब यहाँ पे आप चाहते हो बैटरी रखना तो बैटरी भी रख सकते हो, बैलेंस रखना चाहते हो तो आप बैलेंस भी रख सकते हो। तो अपने मर्जी के अनुसार जैसा आपको यूज करना है वैसा आप यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे, और बाकी चीजें वही चीजें देखने को मिलती है। रही बात बैटरी बैकअप की, तो भाई मैंने उतना यूज नहीं किया है, तो छोटे सा बैटरी यूज में आपको दिखाऊं तो आपको कुछ अंदाजा नहीं लगेगा कि क्या बैटरी
डिटेल है। लेकिन जियो जैस के लिए एक और छोटी सी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है इसका नेटवर्क के फ्लक्चुएशन का। जी हाँ, कस्टमरों में हमेशा प्रॉब्लम आया है रेडमी 4 यूजर्स को, वो है जियो के नेटवर्क का। तो आप अगर ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे जियो का नेटवर्क काफी ज्यादा वीक रहता है, तो आपको फुली ब्लैंक देखने को मिलेगा। मेरे एरिया में काफी अच्छा नेटवर्क रहता है, लेकिन यहाँ पे सेंटोनी में हमेशा ही मुझे वीक नेटवर्क दिखाई देता है। बट ये नहीं कि कॉलिंग की कभी इशू आई है, कॉलिंग की कोई इशू नहीं आती है, बट यहाँ पर स्टेटस बार में लो हाई दिखाई देता रहता है। तो थोड़ा सा ड्रॉपबैक आप कह सकते हो, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हो कि जो ह्यूज कस्टमाइजेशन है इससे आप ऑलरेडी वाकिफ हो, क्योंकि पहले भी मैंने दिखाया है। तो चेंज लॉग में कुछ भी मुझे शो नहीं किया गया था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया कि क्या चेंज लॉग में है। तो मैंने हर एक सेटिंग को चेक किया है 1x1 करके, तो सब कुछ आपको यहाँ पे वर्केबल मिल जाता है। कहीं पे भी कोई भी चेंजिंग दिखाई नहीं दी है, ना ही कुछ मुझे नया एक्स्ट्रा फीचर्स दिखाई दिया हुआ, क्योंकि काफी लंबे के टाइम के बाद मैं यहाँ पे रिजर्वेशन रिमिक्स का है जो अपडेट आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ वर्केबल है, जितने भी कस्टमाइजेशन है सब आप यूज कर पाओगे मजे से, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, विदाउट किसी प्रॉब्लम के आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वर्क ओएस को पसंद करते हो, पिक्सल एक्सपीरियंस को पसंद करते हो, तो आप इसे भी पसंद करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा सा बैटरी ऑप्टिमाइजिंग का प्रोफाइल मिलता है, जिसके थ्रू आप गेमिंग भी कर पाओगे, नॉर्मल बेसिक यूज भी कर पाओगे, और ह्यूज कस्टमाइजेशन मिल जाता है। लेकिन आज के टाइम में वर्क काफी ज्यादा बेटर है, तो ये हल्का सा कम आ जाता है कस्टमाइजेशन के मामले में, बट एक टाइम था कि सबसे बेस्ट कस्टमाइजेशन हमारा ये आरआर रोम ही प्रोवाइड करता था। यहाँ पे वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सारी चीज आपकी वर्किंग है, तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर हम इसके कॉल के सेटिंग्स में जाते हैं, तो बहुत सारे यूजर्स को चाहिए होता है कॉल वेटिंग, वाइब्रेशन, हैंगअप का, और कॉल रिकॉर्डिंग का, और एवरी 50 सेकेंड का भी। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसका आप फुल बेनिफिट ले पाओगे अगर आप यूज करते हो। तो कॉल ब्लॉकिंग के भी आपको सेटिंग्स मिल जाता है, फोन बुक के भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप जीकेम वगैरह यहाँ पे यूज कर पाओगे। और अगर आप यहाँ पे बैलेंस मोड पे यूज करते हो ना, तो बैलेंस मोड पे जो स्कोर हमें देखने को मिल जाता है, वो हमारा स्कोर आता है 59868 का, जो कि बाकी अदर पिक्सल एक्सपीरियंस और जो भी अदर है जिनमें हमें प्रोफाइल देखने को नहीं मिलता है, उनमें हमें सेम स्कोर देखने को मिलता है। तो आप नॉर्मल मोड पे यूज कर लो, या फिर गेमिंग वाले परफॉर्मेंस पे डाल लो, आपको काफी अच्छा डिटेल्स और रिस्पांस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बैंकिंग के ऐप भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप रूट करके माइग्रेट के थ्रू ऐप्स को रीस्टोर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, परफेक्ट वर्किंग आपको मिलता है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे यूज करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर सिस्टम साउंड के साथ, तो यहाँ पे सिस्टम साउंड का ऑडियो रिकॉर्ड करने का बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो कुछ यूजर्स के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है, बट अगर आप रिकॉर्ड वगैरह नहीं करते हो, तो ये एक इग्नोरेबल चीज हो सकती है आपके लिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि रेडमी 4 यूजर्स अगर आप हो, वॉच करो इस वीडियो को, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करो, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है परफॉर्मेंस और गेमिंग को लेकर, जैसा कि आप बेनिफिट उठाते थे हवोक ओएस में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप जरूर लाइक करेंगे, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आगे से अपडेट जिस तरीके से आएंगे, मैं उसी तरीके से आपसे आपको अपडेट है जो प्रोवाइड करता रहूंगा डे टू डे। तो बस मेरे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।